में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं को क्लब करने की सुनवाई की। समलैंगिक विवाह को लेकर अभी क्या हो रहा है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के विरोध में और पक्ष में कौन है, क्या भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल सकती है, देखते रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई शुरू हो गई। इससे पहले केंद्र ने कोर्ट में नया आवेदन दायर किया, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने का सवाल उठाया। केंद्र ने कहा कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सूजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पांडे ने बताया, 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाले 158 साल पुराने कानून को रद्द कर दिया था। मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उस समय कानून रद्द करने वाली बेंच में शामिल थे। इस कानून को रद्द होने के बाद समलैंगिकों के हितों की चर्चा काफी तेज से होने लगी थी। समलैंगिक विवाह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला एक बड़ा आधार हो सकता है। केंद्र हमेशा ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।